भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह में कल दो भाई आनंद और सुबोध की मौत शराब पीने के कारण हो गई थी। वहीं पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया था। एंटी लिकर टास्क फोर्स सहित लोधीपुर थाने की पुलिस के द्वारा आधे दर्जन जगहों से अधिक जगहों पर शराब को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब बरामद नहीं हो पाया है, लेकिन उत्पाद निरीक्षक का कहना है कि यह अभियान अब लगातार हर एक थाना क्षेत्र में चलाया जाएगा। सर किस अब जो लगातार छापेमारी चल रही है, कल भी दो लोगों की मौत हो चुकी है, आज भी एक मौत हो चुकी है, तो उसको लेकर किस तरह से छापेमारी? नहीं, ये तो रूटीन छापामारी है। शराब के प्रति जो हम लोगों की छापामारी लगातार चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है संयुक्त रूप से LTF प्रभारी अमर जी और लोधीपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरनाथ जी के साथ जो है हम लोग आज लोधीपुर थाना क्षेत्र में जगह जगह पर जहाँ भी संदिग्ध और चिन्हित जगहें थी, जिच्छो, तावलपुर, पासी टोला, लोधीपुर, चौधरीडीह, इन सभी जगहों पे हम लोग संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रहे हैं और शराब की खोज की जा रही है कि कहीं भी अगर शराब कोई बनाता हो, बेचता हो, तो वहाँ हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तक कितने जगहों पर की गई होगी? अभी तक हम लोग लगभग 5 जगहों पर कर चुके हैं, अभी लगातार जारी है, अभी और चलेगी। अभी कोई बरामदगी अभी नहीं, अभी तक तो कोई बरामदगी शराब की नहीं हुई है। अपना परिचय, चंदन कुमार, निरीक्षक मद निषेध, भागलपुर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।